नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं अनुपम अनूप। शासन प्रशासन के द्वारा विभिन्न स्तरों पर कड़े कानून बनाने के बावजूद भी अपराधियों की प्रवृत्ति पे कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। और इन दिनों की बात करें तो नाबालिग अपराधियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची से एक नाबालिग ने बलात्कार किया था। और ताजा मामला विदिशा जिले की गंज बसौदा तहसील से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक छात्र को उसके ही मित्रों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक से उसके दोस्तों के द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे और पैसे नहीं देने पर मित्रों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी और सबको एक कुएं में फेंक दिया। परिजनों ने जब थाने जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि बच्चे का शव एक कुएं में बरामद किया गया। बाद में पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों ने अपने अपराध भी कबूल कर लिए हैं। अब ऐसे में नाबालिग अपराधियों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि एक चिंता का विषय है। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारे ग्राउंड रिपोर्टर आशीष सहेली की ये रिपोर्ट। ये थी कि वो पहले से ही पैसे की अड़ी रखते हों, जब उनके पिताजी का व्यवसाय है वो है ना, हाँ कैटरिंग वाला काम है, तो बेचारा उतना वो नहीं कर पाता, छोटा सा बालक था, बालक के साथ सही करते रहते तो पैसा वैसा की लेन देन किया। अपहरण टाइप का लग रहा मुझे, कच्ची भोपाल के साथ जब लोग समझ रहा था। ठीक है, पंचमा वसुधा का रहने वाला है, इसके ही दोस्त दीपेश विश्वकर्मा जो इसका पड़ोसी है, थोड़ी दूर के इसका मकान। कल शाम को 5 बजे के लगभग पवन कुशवाहा के साइकिल में दीपेश विश्वकर्मा ही बोला कि चलो घूम कर आते, और घूमने के बहाने इसको गमाखर तरफ ले गया। और वहाँ पर अजय चंदेल, अनिल कुशवाहा, निखिल प्रजापति और शुभम नामदेव पूर्व से ही इंतजार कर रहे थे, और जैसे ये वहाँ पर पहुँचा है गमाखर के पास में एक पोखर है, पहुँचने के बाद में अजय चंदेल नामक व्यक्ति ने जो मृतक है पवन कुशवाहा उसके पीछे पत्थर मार करके उसको मार दिया, पत्थर मार दिया जिससे बच्चे लोग मार हो गए। और इसके बाद पवन कुशवाहा के साइकिल में उसको रस्सी से बांध करके वहाँ पर एक पोखर है, पोखर में इस बच्चे को डाल दिया गया। जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई कि ये बच्चा गुम हो गया है, तो कल शाम को ही थाना देहात बासुड़ा में अपराध क्रमांक 407 धारा 363 कायम कर इसकी त्वरित विवेचना स्टार्ट किया है, साथ के द्वारा किया गया इसके मार्गदर्शन भी किया। और हमने 5 लड़कों से जो साथ में देखा गया था दीपेश विश्वकर्मा, उससे पूछताछ के दौरान ये 5 लड़कों का ग्रुप था जिन्होंने बच्चे को उसके पिताजी से 15 लाख रुपये देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इस बच्चे को अपने साथ में ले गया और इसके बच्चे के साथ में एक घटना घटित करके उसको पानी में डाल दिया। आज सुबह हमने मौके पे जा करके पवन कुशवाहा जो मृतक है उसको निकाल करके उसका विधिवत क्लियर कराया गया, डेड बॉडी उनको परिवारजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। और ये 5 आरोपी अपने पुलिस हिरासत में हैं जिन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं, और इनसे और पूछताछ हम कर रहे हैं। और जो इसमें मुख्य मास्टर द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।